ड्रीम्स आर नॉट वॉट वी स्लिप, ड्रीम्स इज विच डज नॉट टेल अस स्लिप. सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक. देखिए, लास्ट टाइम मैंने नाउन की और प्लूरल सिंगुलर से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी. ये जो वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये लेवल सेकेंड के इन लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है. इट्स अ कॉमन, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है मुझे शेयर करनी चाहिए पहले आपके साथ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए कि मैम आप अपना नेक्स्ट जो है कब अपलोड करेंगे. नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने कई बार पढ़ रखे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होता क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो तालमेल होता है, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ हमको किस वर्ब को यूज़ करना है, और ये पहचानने के लिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, हमको सब्जेक्ट को पहचानना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. देखिए, इसके लिए फर्स्ट रूल है, यदि वाक्य में एज वेल एज, विथ, टुगेदर, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स एंड नॉट, लाइक हो तो, मतलब ये आपको हिंट दे रखे हो तो, वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. देखिए, जैसे कि आई एज वेल एज माय फ्रेंड्स एम गोइंग टू सी द मूवी. यहाँ पे देखिए, आई एज वेल एज माय फ्रेंड्स, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक तो है आई और एक है माय फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे एज वेल एज मैंने आपको अभी ऊपर बताया, जैसे कि एज वेल एज अगर है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है आई, तो आई के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एम यूज़ करा. ओके, सेकंड है, शी विथ हर फ्रेंड सिस्टर्स गोज़ टू चर्च एवरी डे. शी विद हर सिस्टर्स, देखिए ऊपर हमारे पास आया है विद, अगर विद हो सेंटेंस के अंदर तो किसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, तो हम शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है. हर सिस्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, शी विद हर सिस्टर्स, शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, goes to church every day. सिंगुलर अगर टेंसेज आपने पढ़ रखे हैं, अगर ही शी इट या नेम होता है तो हम ऐसे आईएस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रखते हैं. अ पिजन लाइक अदर बर्ड्स हैज विंग्स. अब देखिए ऊपर देखिए, ये वर्ड लाइक जो है अगर सेंटेंस में है तो उसमें भी आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे. हैज़ या हैव दे रखा है, अ पिजन, पिजन इज अ सिंगुलर, तो हमने कौन सी वर्ब लगाई है, हैज़. नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में दो कर्ताओं के मध्य एंड हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, प्लूरल के अकॉर्डिंग ही आएगी. दो कर्ता मतलब अगर सब्जेक्ट दो है हमारे पास, रिया एंड राज, मोहन एंड श्याम, अगर दो थिंग्स है हमारे पास, तो वहाँ पर जो वर्ब होगी वो प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब बहुवचन के अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, क्योंकि रिया एंड राज यहाँ पे दो हो गए, तो यहाँ पे आर यूज़ करा हमने, ना कि इज. रूल थर्ड, If there are two subjects in sentence and there is and between them and there is article before subject, then we always use plural verb. But if there is an article before first subject, then we use only singular verb. देखिए ये रूल क्या कहता है, The singer and dancer was sitting in the room. अब यहाँ पे देखिए एंड तो लगा हुआ है, द सिंगर एंड डांसर, द सिंगर एंड डांसर, तो लेकिन ये जो आपका जो है सिंगर और डांसर वो एक ही के लिए यूज़ किया गया है, मतलब एक ही पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन ना होकर
सिंगर और डांसर एक ही के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया है, न कि वर लगाएंगे। देख क्यों, क्योंकि द लगा हुआ है। द का मतलब क्या है, द लगा हुआ है इट मीन्स ये जो बात कही जा रही है ये एक ही पर्टिकुलर पर्सन के लिए कही जा रही है कि वो सिंगर भी है और डांसर भी है। तो द अगर लगा हुआ है सब्जेक्ट्स के आगे, द सिंगर एंड डांसर वर सिटिंग, और एंड भी लगा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना यहाँ की कि एंड लगाया है तो हम वर लगा दें। नो, यहाँ पे देखिए द लगा हुआ है सिंगर के आगे, तो ये एक ही पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, द सिंगर एंड डांसर। नेक्स्ट है द सिंगर एंड द डांसर वर सिटिंग इन द रूम। अब यहाँ पे देखिए सिंगर एंड डांसर आर नॉट सेम पर्सन, यहाँ पे सिंगर और डांसर सेम पर्सन नहीं है। द सिंगर एंड द डांसर, देखिए द जो है दोनों के आगे लगा हुआ है, सिंगर के आगे भी लगा हुआ है और डांसर के आगे भी लगा हुआ है। जहाँ पे आर्टिकल दोनों के आगे, दोनों सब्जेक्ट के आगे लग जाएगा, वहाँ पे आपका प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, मतलब वॉज न लग के वर लगेगा। एक बार वापस देख लीजिए, ऊपर क्या था, द सिंगर एंड डांसर, द किसके आगे लगा हुआ था, सिंगर के आगे, इट मीन्स सिंगर भी वही है और डांसर भी वही है, हमने वॉज यूज़ करा। लेकिन सेकंड में द सिंगर एंड द डांसर, इट मीन्स दोनों पर्सन जो है वो डिफरेंट हैं, इसलिए हमने वर यूज़ करा है यहाँ पे। ओके, द प्रिंसिपल एंड टीचर, अब आप मुझे बताइए द प्रिंसिपल एंड टीचर, मतलब प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, क्योंकि द केवल किसके आगे लगा हुआ है, प्रिंसिपल के आगे लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे या प्लूरल, ऑब्वियसली सिंगुलर, लाइक्स हो जाएगा यहाँ पे। अभी मैंने बताया कि सिंगुलर जो वर्ब होता है ऐसे IS वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं, जो आपने टेंस से सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊँगी। यदि वाक्य में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो हो, तो वर्ब हमेशा और, नॉर व बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, मतलब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, इन वर्ड्स के बाद आने वाले, जैसे आइदर शी और हर ब्रदर, सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा, आइदर और लग रहा है, आइदर शी और हर ब्रदर, तो यहाँ पे हर ब्रदर के अकॉर्डिंग हमने लगाया तो इज आएगा, इज सपोर्टिंग हिम। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में बोथ एंड हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी, बोथ एंड दोनों आ रहे हैं, बोथ भी आ रहा है और एंड भी आ रहे हैं, बोथ एंड यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग लगेगी। बोथ शी एंड हर अंकल आर अटेंडिंग द मैरिज पार्टी। नेक्स्ट है, इफ देयर इज टू सिंगुलर सब्जेक्ट इन सेंटेंस एंड देयर इज नो बिफोर दिस, देन वी यूज ओनली सिंगुलर वर्ब। देखिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। नो बॉय और एंड नो गर्ल वॉज देयर, देखिए एंड तो लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन दोनों सब्जेक्ट के आगे क्या लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि एंड तो लगा हुआ है बट ये प्लूरल के अकॉर्डिंग इसकी वर्ब नहीं लगेगी, सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही लगेगी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे नो बॉय एंड नो गर्ल, नो लगा हुआ है, इसलिए हमने वॉज यूज़ करा है। इफ़ देयर इज इम्प्रोबेबल सेंस इन सेंटेंस देन वी यूज़ प्लूरल वर्ब विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए आई विश आई वर अ किंग, मतलब वो चीज़ें जो हम इमेजिन करते हैं बट वो है नहीं, कि आई विश, मैं विश करता हूँ कि मैं, काश मैं एक राजा होता, तो यहाँ पे काश, जहाँ पे काश की बात आ जाती है कि काश मैं PM होता, काश मैं CM होता, काश मैं, तो वहाँ पे हम आई के साथ वर ही यूज़ करेंगे, वॉज़ यूज़ नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहाँ पे इमेजिन, मतलब अगर काश जैसी कोई बात आ जाती है, इफ़ आई विश, आई विश मतलब मैं हूँ नहीं बट ये विश करता हूँ, आई विश आई वर अ किंग, कि मैं एक राजा होता, तो वहाँ पे आई के साथ हम वर यूज़ करेंगे।
ही टॉक्ड मी एज इफ ही वर माई बॉस, वो उसने मुझसे ऐसे बात करी जैसे कि वो मेरा बॉस है। देखिए यहाँ पे बॉस वो रियल में नहीं है, लेकिन वो कि ऐसे बात की जैसे कि वो मेरा बॉस है, यहाँ पे इमेजिनेशन आ गया। तो यहाँ पे इफ़ ही वर लगाया है, वॉज ने लगा के वर, जहाँ पे भी हमारा विशिंग पावर आएगा वहाँ पे हम वर यूज़ करेंगे। आई विश आई न्यू योर नेम, यहाँ पे भी देखिए आई विश आई न्यू, यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, मतलब पास्ट में ले गए हम उसको, प्रेजेंट में न ले जाके पास्ट, नो की सेकेंड फॉर्म नेम। इफ़ देयर इज़ डेयर एंड नीड इन द सेंटेंस एज अ मॉडल देन देयर विल नॉट डेयर्स और नीड्स ऑल्दो सब्जेक्ट इज सिंगुलर। शी नीड नॉट गो देयर, शी डेयर नॉट अपोज मी, डेयर शी अपोज मी। देखिए ये सेंटेंस आपने क्या बोल रहा है कि अगर डेयर और नीड है सेंटेंस के अंदर एज अ मॉडल, तो वहाँ पे डेयर्स और नीड्स नहीं होगा और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा।